स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आपके क्लास टेंथ के हिंदी का जो अगला पार्ट है उसको लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, ये जो अभी वर्तमान जो समय चल रहा है और इस समय में जितनी मुश्किल घड़ी से हम लोग और ये पूरा देश दुनिया गुजर रहा है, इसको जो मुश्किल घड़ी है इसको हम लोग को सुखद बनाना है। और आजकल का जो आधुनिक तकनीक हमारे समाज में आई है और हमारा देश दुनिया विकास इससे कर रहा है, तो हम लोग इस माध्यम से अपने जो पढ़ाई है और अपना जो काम है उसको हम लोग करते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आने वाली नहीं है। और स्टूडेंट्स, पहला, अपने आप को इस वक्त को लेकर अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें। अपने आप को, अपने अंदर की जो इच्छा, जो जागरूकता है और क्लासरूम का जो फीलिंग है कि क्लासरूम में ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पूछ सकते थे, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप लोग के इस माध्यम से हर एक कंटेंट, हर एक चीज़ आप लोग को उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोग धैर्य रखकर और सारे चीज़ों को बारीकी से देखें और समझें। बिल्कुल आप लोगों का जो समय है ये जाया नहीं जाएगा। और इन मुश्किल भरी समय को हम लोग जो आज जिस दौर से गुजर रहे हैं इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने आप से हर एक चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बनाना और उसी चीज़ को बुरा बनाना अपने हाथ में है। तो आप अपने आप को बिल्कुल हत्साहित ना हो, बिल्कुल एनर्जेटिक रहें। हमारा जब भी वीडियो देखें तो आपके अंदर एक अलग जोश, अलग उमंग, अलग हर एक चीज़ होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों के साथ जब हमारा वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर जो पढ़ाई के प्रति आपका जो स्नेह है, प्रेम है, ये बढ़ेगा। और इस चीज़ को बरकरार रखते हुए और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। और देखने के बाद आपका जो चैप्टर जिस तरीके से क्लासरूम में जो चैप्टर जैसे फिनिश होता है, वैसा ही बिल्कुल चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और जितने भी कंटेंट दी जाएंगे सब आपके अपने पाठ्य पुस्तक से होगी और सभी चीज़ आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाली होगी। कोई वल्गर चीज़ या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं आपका क्लास टेंथ का हिंदी पाठ द्वितीय, यानी कि आपका द्वितीय पाठ है विष के दांत। इसको थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए हम आपके सामने इसको प्रदर्शित करेंगे और इसको 30 सेकेंड तक आप लोग देखते रहिए। जो लोग नोट डाउन करना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे जो चीज़ हैं ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आई थिंक यू कैन ऑल्सो राइट इट। आप लोग इसे कलमबद्ध भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। चलिए, इसको आपका जो समय है पूरा होता है। अब हम लोग अबाउट ऑथर में पढ़े थे जिस समय आपके सामने ये रखा गया था। तो विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। जन्म स्थान पटना बदरघाट। ये वर्तमान समय में सारी चीज़ें उपलब्ध है, आप इसका भ्रमण भी कर सकते हैं। और इनका देहांत, निधन या मृत्यु तीनों बोल सकते हैं, या फिर इंतकाल, वाट एवर यू कैन से। चलिए, तो इनका जो निधन हुआ था या देहांत हुआ था 25 सितंबर 1961। और इतना याद रखिएगा कि देहांत का परिवाची भी हम लोग 3-4 सीख लिए। अब आप लोग का ये पार्ट है, सेकंड पार्ट, नलिन विलोचन शर्मा। तो अब इनकी देख लीजिए, इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ है, इन्होंने क्या किया अपने जीवन में लिखा है वो आप लोगों के इस पेज में नहीं दिखाया गया, वो हम बोल दे रहे हैं मौखिक रूप से, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। पहला, उनकी रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन। पहला है उनका दृष्टिकोण, उनकी जो रचना है, पहला रचना क्या है, दृष्टिकोण। दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन। तीसरा है मानदंड। चौथा है मानदंड। और फिर हिंदी साहित्य में इन्होंने लिखा है विशेष, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। इनका जो हिंदी उपन्यास में है तो आपका विशेषता है प्रेमचंद, साहित्य और आलोचनात्मक ग्रंथ में आपका है विष के दांत और शत्र, असंगहित पूर्व और छोटी कहानियां। ठीक है, जैसे आपका
केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, और उन्होंने कुछ एक दो व्यक्ति मिलकर भी उन्होंने कुछ काव्य संग्रह को लिखा है, उसका नाम बता दे रहे हैं, अनेक अनेक के प्रद और अनेक दो। फिर आपका आता है उसके आगे सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। और जितना भी नाम हमने शुभ ऊपर से लेकर और नीचे तक बोला है, आप लोग क्लास 10th के जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है उसमें जाकर आप देख सकते हैं इन सारे चीज़ों को, उसमें नाम दिया गया है। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग कहीं ना कहीं इसको स्मरण करते जाएं, क्योंकि इसमें से उठाकर एक दो दे दिए जाते हैं कि ये किन की कृति है। अब हम लोग अपने जो पाठ संदर्भ है उसके आगे बढ़ते हैं। विष के दांत, विष के दांत में प्रथम है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसी कोयल खोखले में किस कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है, काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुख देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेन साहब की सख्त ताकत है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास न भटके। देखिए पहला जो कहानी है, कहानी कुछ यहाँ से शुरू होता है कि आपका जो सेन साहब है, सेन साहब इन्होंने एक गाड़ी खरीद रखी है, गाड़ी का नाम है स्ट्रीमल इंड, और वो जो गाड़ी है एक काले आपके जो गाड़ी का कवर होता है उससे ढकी गई आपका एक कार रहता है, और वो कार में, और सेन साहब को उस कार पर बड़ी नाज है। जैसे आप किसी का लड़का डीएम बन जाता है, एसपी बन जाता है, तो उसको अपने लड़के के ऊपर नाज होता है, भाई मेरा लड़का है एसपी है ना जी, वैसे ही इनको अपने कार के ऊपर नाज है। और इन्होंने कार खरीदी कितने में ली, 7,500 में, और काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुख देख लो, और उस कार का रंग कैसा है भाई, काला है, और इतना चमकदार है, इतना सुंदर है कि उसमें आप अपना शकल भी देख सकते हैं। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो, और उनकी गाड़ी पर कहीं भी और थोड़ा सा दाग या धब्बा, कहीं स्क्रेच भी हो जाए तो क्लीनर जानते भाई साफ करने वाला, शोफर मतलब ड्राइवर, तो उनकी सामत ही समझो। वो बेचारा जो आपका ड्राइवर है पोछा मार मार के नया नया जो गाड़ी आता है उसको बेचारा चमकाते रहता है, और उनके देख रेख में यानी कि सेन साहब के देख रेख में उस पर एक दाग और धब्बा भी नहीं आने चाहिए, इतना वो मतलब उनको स्नेह और प्रेम रहता है, अपनी मोहब्बत रहता है अपनी गाड़ी से। मेन साहब की सख्त ताकत की खोखा खोखी गाड़ी के पास न भटके। और आप लोग सोच रहे होंगे सर ये खोखा खोखी कहाँ है, खोखा कहने का मतलब लड़का, खोखी कहने का मतलब लड़की, इस आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया खोखा और खोखी का मतलब, ठीक है। तो उनके घर के जो लड़के रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको मतलब सख्त उन लोगों को हिदायत दे दिया गया है कि भाई इस गाड़ी के इर्द गिर्द तुम लोग भ्रमण न करना, तुम लोग घूमना बिल्कुल नहीं है, इसके इर्द गिर्द ना घुमा कर। आप लोगों को इससे कुछ पंक्तियाँ भी याद आ रही होगी, चलिए इसके आगे आते हैं। लड़कियाँ तो पांचों बड़ी सुशील हैं, पांच पांच ठहरी और सो भी लड़कियाँ तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत ही है। और देखिए उनके घर में पांच पांच सुशील लड़कियाँ हैं, ठीक है ना, लेकिन सब तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत है, उनमें इतना तहजीब भर दिया गया है, इतनी वो मतलब शिष्टाचारी है और इतनी तमीज से आपके साथ वो पेश आएगी कि समझिए उसकी जीती जागती मूरत है, उसको जैसा कहा जाए वैसा करेगी, जैसा एक सभ्य व्यक्ति को होना चाहिए ठीक उसी प्रकार उनकी जो अपनी लड़कियां लोग हैं ठीक उसी प्रकार हर एक चीज़ वैसा कर रही हैं। मतलब उनमें मतलब जो होता है कि शैतानी करना, उनकी अपनी जो बचपना है, इन सारे चीज़ों से कहीं ना कहीं उनको दूर कर दिया गया है। इस पाठ में हम आगे आएंगे तो बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है, हम पाठ में पहले स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बताएं बाबू। चलिए और उसके आगे आते हैं। और उनके घर में अपवाद क्या रहता है, मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए या सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इनकी इन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या कठपुतलियां, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, वे कभी किसी चीज की तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट
अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले। और देखिए, और उनकी घर की जो लड़कियां हैं वो कितनी मतलब अच्छी हैं और कितनी उनकी जो मतलब इसे तारीफ किया गया है, कितनी उनके मतलब कितनी वो शिष्टाचारी हैं कि उनकी लड़कियां को ये सिखाया गया है, बाबू शाम को खेलना है, क्या होता भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, शाम को तुम खेलना है तो बस शाम को वो बिल्ली की तरह बाहर आएगी और खेलेगी फिर अंदर आ जाएगी, क्या क्या भी अपने घर में, ठीक है, मतलब ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी मतलब और कहा जाए तो जीता जागता कठपुतलियाँ हैं, उनको मतलब घर में बिल्कुल दौड़ भाग नहीं करना है, बिल्कुल जोर जोर से हंसना नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ तोड़ फोड़ नहीं करना है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जीता जागता भाई रोबोट, जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ, बेचारा गया बैठ गया, वहाँ से आ जाओ या आपको खाना खाना चाहिए बस जाकर खाना खा लिया, मतलब एज अ लाइक रोबोट, एक मशीन की तरह, मतलब उसमें जो आदमी की तरह जो मतलब सारे एक्टिविटीज होने चाहिए वो बिल्कुल किसी प्रकार कोई एक्टिविटीज नहीं है, उनमें कोई हरकत नहीं है। उसके आगे आते हैं भाई, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारीख भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो भाई सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना ही नहीं। और देखिए, और उनकी मतलब उनकी लड़कियों की जो मुस्कुराहट की तारीफ कैसे की गई, बाबू मुस्कुराहट की तारीफ ऐसे की गई है कि वो इतनी नज़ाकियत से इतनी अच्छे से वो मुस्कुराती भी है कि उसको भी कोई व्यक्ति देखकर कुछ सीख सकता है, कुछ सीखना चाहे तो उससे भी कोई अर्थ निकाल सकता है। और कभी किलकारियाँ मारते हुए हंसते हुए तो कुछ सुना ही नहीं भाई, तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियाँ, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियाँ का सवाल है, उनके मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है, खोखा तो एक ही है, सबसे छोटा खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई तालुकात किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। और देखिए, और कहा गया है कि उनके परिवार का एक जीता जागता कहा जाए तो उनके वंश का चिराग एक छोटा सा खोखा है, जो कि बड़ी मतलब बिल्कुल वो क्या नहीं है, शैतान नहीं है, बिल्कुल सुंदर अच्छा है, मतलब इसका आप लोग विपरीत समझिएगा बाबू, मतलब वो बिल्कुल शैतान है, जो मन में आता है वो करता है, उनके घर में जितनी भी सारी रूल रेगुलेशन है, जितने सारे नियम और कानून है, जितने भी सारे कायदे हैं, सबका विपरीत है, वो बिल्कुल उल्टा है, जैसे उनकी लड़कियां कठपुतली है तो भाई शैतान है, और जैसे वो किस चीज़ को नहीं तोड़ती है, सब चीज़ को तोड़ता है, जैसे वो सारी बात मानती है किसी बात को नहीं मानता, कौन खोखा, क्योंकि उनके घर का एक ही लड़का रहता है, ठीक है। और फिर जानते हैं आगे चलकर नाम क्या पड़ेगा, आगे पढ़ाएंगे तो अपन ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा बाबू, देखिएगा कितना मतलब इसके जो करेक्टर है कितना सुंदर इसमें इसका वर्णन किया गया है। अब क्या होता है इसमें, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभाव तब जाकर हुआ जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा ही था, क्योंकि बता दिए हैं कि कैसा खोखा का करेक्टर कैसा है भाई, वो कितना भला आदमी है, कितना अच्छा आदमी है कि, और खोखा को उनके गाड़ी को और किसी से डर था तो उनके घर के अपना ही लड़के एक छोटा सा जिसका नाम है खोखा, ठीक है ना, उसी से का मतलब गाड़ी को क्या था, असुरक्षा था, मतलब गाड़ी को तोड़ फोड़ करने में, उसको पूछने में, हर एक कुछ करने में इसी का मतलब पूरा का पूरा हाथ था। देखिएगा आगे क्या होता है, बात ऐसी थी कि सीमा रजनी आलोक शेफाली आरती पांचों हुई, तो ये भाई पांच गो नाम बोले हैं जी, देखिएगा थोड़ा ध्यान सुनिएगा, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, ये कौन थी, वही सेन साहब की पांचों के पांचों कठपुतली वाली क्या थी, लड़कियां थी, जो कि बड़े मतलब अच्छे स्वभाव की एक कठपुतली की भांति थी, जिसको जब जो कहा जाए वही करती थी, उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी। अब देखिए यहां पर हमारे समाज में क्या है जी, हमारे समाज में इसके पहले वाला पाठ पढ़े हैं भाई, जाति प्रथा और श्रम विभाग, उसमें भी आपका भेदभाव था, और यहाँ पर लिंग के आधार पर यानी जिसको बोलते हैं सेक्स के आधार पर क्या है भाई, विभिन्नता है, यानी कि आप फीमेल हैं
तो घर के अंदर रहेगा आपका जो शिक्षा दीक्षा है, एक लड़के की अपेक्षा जितनी एक लड़के को घर में क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। एक लड़के को बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए कि वो हमारे घर का चिराग है, उसी से हमारा वंशज आगे बढ़ेगा और ये मतलब जो भी करेगा ये हमारे कुल को, मतलब हमारे कुल का मान सम्मान इसी से बढ़ेगा। और जो लड़कियाँ है कुछ दिन घर पर रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी और अपने घर को चली जाएगी। तो ये जो हमारे मतलब ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के या फिर मतलब जो भी वर्तमान समय के जो गार्डियन है उनकी कहीं ना कहीं मतलब हमारे समाज में कुछ ऐसे परसेंटेज हैं, इसका मतलब एग्जैक्ट मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि हम बता दें कि कितना परसेंटेज, लेकिन कुछ ऐसे गार्डियन हैं जो कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। लड़के को जितनी स्वतंत्रता हर एक कुछ मिल जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि नारी सशक्तिकरण यानी कि महिला को मजबूत बनाया जाए, कन्या उत्थान योजना, कन्या को उत्थान के लिए उनके मतलब वो आगे समाज में बढ़े उनके लिए योजना चलाई जा रही है। नारी बचाओ और बहु लाओ, यानी कि नारी अगर जो समाज में बचाया नहीं जाएगा तो आपके घर में बहु कैसी आएगी जी। तो ये सारी जो योजना है ये सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नारी को मान सम्मान दें और नारी जब रहेगी तो हमारा ये जीवन रहेगा। और यहाँ पर इसमें क्या किया जा रहा है जी, भेदभाव किया जा रहा है लिंग के आधार पर। भाई फीमेल है तो आप घर के अंदर रहिए और मेल है तो उसको सब क्या है हर एक कुछ उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलो उसके आगे आते हैं। दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी, कहने के लिए तो सेनो का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे, क्या कर रहे हैं। वो बोलते थे कि भाई जब भी क्या होता था कि सेन साहब के जो दोस्त मित्रगण आते थे तो ड्राइंग रूम में बैठते थे और जब बातों का अभाव होता था ना, जब कोई बात नहीं मिलती थी क्या करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो वो लोग अपने लड़के के ऊपर आ जाते थे कि भाई मेरा लड़का क्या करेगा, आपका लड़का क्या करेगा ना, अपने लड़के ऊपर आते थे। तो यहाँ जो सेन साहब हैं बड़ी तारीफ करते हैं किसकी, वही उस शैतान की। कौन शैतान? खोखा। खोखा का नाम अभी तक नहीं बताए हुए हम, याद रखिएगा, खोखा का नाम जब बताएंगे याद कीजिएगा। हाँ, तो वो जो था तो उसकी एकदम तारीफ करते रहते कि मेरा लड़का आगे चल के जानते हैं क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और उसका जो है अभी से उसका जो आपका ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है वो शुरू करवा दिए हैं। क्या तो एक कंपनी से आया है बढ़ई के साथ वो ठोक पीट करेगा जिससे उसका हाथ जो है ना उसके हथियार से वाकिफ हो जाएगा, यानी हथियार को पहचानने लगेगा किस हथियार को कैसे पकड़ा जाता है, इस बात से वाकिफ हो जाए क्या चीज, उस खोखे का हाथ। चलिए उसके आगे आते हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किडन गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैं अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाए। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। देखिए, कोई बोल रहा है कि भाई इसको ईडन गार्डन स्कूल भेज दिया, ईडन गार्डन स्कूल जानते हैं भाई, वही बोर्डिंग स्कूल, ले जाकर मैं बच्चे को छोड़ दीजिए, उसी में खाएगा पिएगा, जो हॉस्टल सिस्टम समझते हैं ना, आवासीय विद्यालय, तो वही आवासीय विद्यालय की बात की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ईडन गार्डन स्कूल में जाकर छोड़ दीजिए कि वहीं पर आराम से पढ़ेगा लिखेगा खाएगा पिएगा और पोसाएगा ना जी। तो लेकिन उनका है कि तो बोल रहे हैं कि वो मतलब भारत के जितने लोग हैं सब लोग का मानसिकता सोच यही है कि क्या करना है भाई, इसको ले आके ईडन गार्डन स्कूल में छोड़ दो, आराम से पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन हमारी मानसिकता वैसी नहीं है, ये तो आगे चलकर बिजनेसमैन या फिर हमारी तरह बिजनेसमैन बनेगा और नहीं तो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कौन? इस खोखा की बात की जा रही है। और उसके आगे मैंने तो उस बढ़ई को भी बुलवा लिया है और उसके साथ इसका जो ठोक पीट का काम है उस भी शुरू हो गया है।
एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप्पे कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार विष थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते ना जी। सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। देखिए, एक उनके उनके घर एक कौन आया था जी, पत्रकार साहब आए थे और उनके साथ एक छोटा सा लड़का था जो कि खोखा से भी क्या था, छोटा था। तो उसने कुछ ऐसा कुछ काम किया जिससे एक व्यक्ति देखकर उसकी तारीफ कर रहा है कि ये जो आपका लड़का है बड़ा होनहार लड़का है। इसको देखकर जो सेन साहब है ना, अंदर पूरा दम चिढ़ गए और बोल रहे हैं कि अरे जानते हैं, मेरा लड़का तो आगे चल इंजीनियर बनेगा। अब देखिए इंजीनियर के कर्मात क्या क्या आगे होता है। बोल रहे हैं कि पत्रकार, हाँ तो वो बोले मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे और बार बार यही बात बोलते थे और इस बात को बोल बोल को थकते नहीं थे। कौन? सेन साहब हैं, ठीक है। उसके आगे कहते कि पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जो पत्रकार महोदय आराम से बैठ कर और कम्फर्टेबल से मुस्कुरा रहे हैं। जब उनसे फिर कुछ पूछा गया तो उन्होंने अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि वह आगे चलकर एक अच्छा सा इंसान, एक जेंटलमैन जरूर बने। जो कुछ बने उसका काम है और उसे पूरी आज़ादी होगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर ऐंट कर रह गए। और देखिए, जब उन्होंने पत्रकार महोदय हैं वो बोले कि आपका लड़का पूछा गया कि बताइए आप अपने लड़के को क्या बनाना चाहते, किससे? पत्रकार महोदय हर एक क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन यहाँ पत्रकार महोदय से प्रश्न पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आपके जो लड़के हैं वो क्या बनेंगे। तो बोल रहे हैं कि मेरा लड़का, उससे पूरी आज़ादी है। पहला तो एक जेंटलमैन, एक नेक इंसान बने, पहले एक इंसान बने, उसके बाद वो जो अपने भविष्य में अपने जीवन में जो कुछ चाहता है वो बन सकता है। देखिए इनका सोच और विचार और इनकी मानसिकता किस तरह की है और कितने ही अच्छे विचार यहाँ पर इन्होंने प्रकट किया है। उसके आगे आते हैं, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा भी था जिससे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो कहने लगा जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामोखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब से सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर पूरी अब जो उनके जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो जाने के लिए तैयार होते हैं। तब तक क्या होता है कि एक मदन नाम का लड़का जो कि उन्हीं के फैक्ट्री में उसके पिता का नाम रहता है, जो कि उन्हीं के फैक्ट्री में उनके पिताजी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का वो लड़का रहता है। कौन? मदन। और मदन आता है इधर उनकी गाड़ी बैठने के लिए आता है मदन। तो मदन की जो मदन उनकी गाड़ी बैठने आता है, जो शोफर होता है, ड्राइवर होता है, उसको घसीट करके और दूर कर देता है। किससे? गाड़ी वही खरोच ना आ जाए। तब तक इधर क्या होता है कि सेन साहब एकदम भारी भरकम आवाज में आते हैं, बोलते हैं अजी क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जो होता ये है कि मतलब वो सारे दृश्य को देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर घटित हो रहा है। तब तक मदन की यहाँ माँ आती है और मदन और सेन साहब को देखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है। और वहाँ पर जो सेन साहब है बोलते हैं कि मदन को लेकर अपने घर जा। उसके बाद की देखिए घटना क्या होता है। ये जो सेन साहब हैं अकरू हैं, थोड़ा सा एक शब्द कहने में अच्छा नहीं लगा, घमंडी हैं। और देखिए और इसके पिताजी को कैसे बोल रहे हैं कि माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई
चली गई। और क्या होता है कि यहाँ पर जो मदन का जो घुटना होता है ना बाबू, घुटना भी फूट जाता है। काहे कि जो जो ड्राइवर है उसको घसीट के जो फेंकता है ना, तो उसका घुटना भी फूट जाता है। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वो गिर गया था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा। और तब तक क्या होता है कि इधर जैसे ही लोग इस घटना से निपटता है, तब तक उधर उनकी जो मोटर कार रहती है उसकी तरफ से क्या होता है, ठक ठक की आवाज़ आती है। और उधर दौड़कर सोफर और जो सेन साहब है दोनों आदमी आ जाते हैं। भाई क्या हुआ देखिएगा। और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। तभी देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उससे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। बात समझा रहे बाबू? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपका कासू है, कासू उस समय खोखा खोखा बोल रहे हैं, जो आपके सेन साहब का लड़का है उसका नाम क्या है, कासू। याद रखिएगा, यहाँ पर आपके पढ़ाई का क्या होता है, इंटरवल समझते हैं, मध्यांतर। जब फिल्म देखने आते हैं तो मध्यांतर होता है, सब लोग बाहर निकलता है। यहाँ पर आपके फिल्म का इंटरवल होता है। यहाँ पर जो शैतान का नाम बाहर उभर के आता है, क्या नाम है, कासू। तो कासू के यहाँ पर नाम आ गया। और कासू क्या होता है कि वो जा करके और उनका जो अपना गाड़ी होता है ना, अपने गाड़ी का वो पीछे का जो आपका बैक लाइट होता है उसको फोड़ देता है। तब तक इधर क्या करते हैं कि सेन साहब के जो बड़े लोग होते हैं ना, अपने बच्चे को बड़ी प्यार से डांटते हैं, अरे शैतान तू क्या कर दिया, ऐसे वैसे ना। तो उसको बड़ी प्यार डांटते हुए लाते हैं और अपने दोस्तों के सामने क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। जानते हैं जो हमारा लड़का है ना आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता है और इसे कल पुर्जो इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बाबू, ये कल पुर्जो में देखना चाहता है कि आखिर किस चीज़ से बल बना हुआ है। देखिए इसको अपने लड़के की मतलब गलतियाँ को किस तरह से छुपा रहे हैं। तब तक क्या होता है कि उनके जो मित्रगण भी आए होते हैं ना, तो उनके मित्रगण के जो चक्के के टायर भी होते हैं, उसके टायर का हवा कौन निकाल देता है, कासू। ये इतना बड़ा शैतान है, ये बता रहे थे ना इसका परिचय, इसका आगे देखिएगा काका इसके साथ होता है, इसको मजा कौन सी खाता है भाई। हाँ तो शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते ही तो कुछ समझ पाते, इसमें शक नहीं था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़कर आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। जो बात बताए हैं छोटू वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर देखिएगा वो जो शैतान है, वो इनके जो मित्रगण आए हुए थे उनके चक्कों का जो आपका टायर भी है उसका वो निकाल दिया था, उनका वो क्या करता है निकाल दिया था, क्या चीज़ हवा निकाल दिया था। उसके आगे हम आते हैं जी, हवा निकाल अति काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिमाकत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उनकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत हो नहीं गए। सेंस
और यहाँ पर क्या होते हैं कि इन सारी चीज़ों के होने के बाद सब लोग आकर जब तक वो आपका टायर बन रहा होता है उसमें हवा भरा रहता है तब तक ये बैठ के ये लोग यही बात करते हैं कि जो जानते हैं कासू ना आजकल एक नया इलिम सीख लिया है, नया कला सीख लिया है कि सब के चक्को क्या कर रहा है, वो हवा निकाल दे रहा है बाबू। और यहाँ पर जब तक ये लोग चले नहीं जाते, रुखसत मतलब होता है जाना, चले आते हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किराने का काम करता है, यहाँ पर देखिए एक नया करेक्टर आ रही, कौन? गिरधर लाल, उसी मदन के क्या है, पिता है, मदन के पिता है गिरधर लाल, याद रखिएगा। तो वो क्या, वो फैक्ट्री से बाहर वो एक किरानी का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? किरानी, जो लिखा पढ़िया क्लर्क जानते हैं ना बाबू, तो क्लर्क का काम करते हैं, ठीक है ना। तो और आते हैं सेन साहब के सामने, सिर झुकाकर खड़ा हो गया जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। और इस प्रकार वो खड़ा हो जाता है, कौन? गिरधर लाल। जैसे आपका जो जज उस कोर्ट चलता है और वो कोर्ट में जो आपका जो मतलब होता है, कौन? अपराधी जो होता है वो जज के सामने इस तरह सिर झुका खड़ा होता है, उसे खड़ा हो जाते हैं और इसको डांटना था, मोटे भड़कीले आवाज में डांटना शुरू करते हैं, कौन? सेन साहब। देखिए कैसे डांटते हैं, सेन साहब ने ठंडी बेसौल आवाज में कहना शुरू किया। देखिए कैसे कहते हैं, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है, जो मदन हो गया है आजकल बहुत शोक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये जो है ना, ये मतलब पूरा अकड़ करके और जो सेन साहब है ये सारी बात कर रहे हैं भाई, किससे? उस गिरधर लाल से भाई बोल रहे हैं। चलिए, और सेन साहब का भाषण जारी रहा और उसे मतलब डांटते गए, बोलते गए, उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, और ऐसे लोग जो गुंडा माली बनते हैं क्या हालत होती है तुम जानते ही हो, जिसको गोली डायरेक्ट पुलिस मार देता है, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। और ऐसी देखिए चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगली बार ऐसी बात हुई ना तो अच्छा नहीं होगा, गिरधर लाल समझ लो, तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह स्यानागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुल्लाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है, मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेर दूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पीयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे सेन साहब है ना, वो क्या होता है कि इधर जाते हैं गिरधर के पिता और जाकर उसे घर एक बहुत पीटते हैं, जिससे क्या होता है कि सेन साहब के अपने रूम में बहुत ज़्यादा क्या शोरगुल होने लगता है और उनकी जो नींद होती है टूट जाती है और सेन साहब क्या होते हैं उठकर बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी को बड़ी समझदारी की बात कहते हैं, जानती हो वो बहुत लड़का बिगड़ गया है, अगर जो गिरधर इसी तरह से पीटता रहा और इसी तरह से कराई रखी तो ये शायद सुधर सकता है। और उन्होंने एक इंग्लिश में डायलॉग मारा है, देखिए डायलॉग क्या है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। जो खाली आपका क्या होता है सर्क होता है वो भी क्या होता है बेकार हो जाता है, और स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, और आपके बच्चे भी इसी तरह बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक इंग्लिश में डायलॉग मारी। चलिए आते हैं, माता सेन की नींद उचट गई थी, उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कम वक्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था, खैरियत थी कि उसकी सिस्किया सेनों के स्यानागार तक नहीं पहुँच सकी थी, और उनकी जो पत्नी है किनकी, सेन साहब के, वही बोल रही है कि देख नहीं रहे हैं कि कौवे की तरह कांए चिल्ला रहा है, कौन? मदन चिल्ला रहा है। और वो कमबख्त जानते हैं हमारा जो लड़का है ना कासू, उसकी बराबरी करता फिरता है, बहुत बढ़िया कर रहा है वो लोग, कौन? गिरधर बहुत बढ़िया कर रहा है, उसको बहुत पीट रहा है, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। देखिए दूसरे दिन क्या होता है, शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की
अति बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसी के हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। देखिए ये आपका हमेशा फ्रेज पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आपका खोखा होता है ना जी, वो खोखा एक बड़े घराने का रहता है और आपके जो मदन साहब होते हैं एक मध्यवर्गीय परिवार के होते हैं, ठीक है। कौन? गिरधरलाल एक मध्यवर्गीय परिवार के होते हैं और जो आपके सेन साहब होते हैं वो उच्च परिवार के होते हैं, अमीर और रहते हैं। तो यहाँ पर उनका जो लड़का है खोखा वो अगली गली में जाकर और खेल और अगली गली में चला गया जहाँ पर कौवे की जमात और इसको हंस की जमात कहा गया। किसको हंस की जमात कहा गया? इस आपका जो है ना जी कौन कासू को हंस कहा गया है और उसको क्या कहा गया? कौवा। कौवा कौन है भाई? मदन। तो उसकी जमात में जा पड़ा। किसकी जमात में जी? आपके कौवे की जमात में। और वहां पर जाकर देखिए क्या बोल रहा है। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, भाई बड़े घर का है तो रोब से बोला, उसने मदन से कहा हमको लट्टू दो, हमें भी खेलना है। किससे बोल रहा है भाई? हमें भी लट्टू दो, हमें भी खेलना है। कौन बोल रहा है भाई? ये आपका बोल रहा है कासू बोल रहा है। दूसरे लड़कों ने कोई खास अर्ज नहीं की, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों की नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, मैं है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाप की मोटर कार पर बैठ। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है ना वो पूरा आदम अपना जो गुस्सा है इसी के ऊपर निकालता है। किसके ऊपर? इस मदन, इस आपके कासू के ऊपर। कहता है कि उस दिन तेरे बाप की गाड़ी बैठने गए थे तो तेरा जो ड्राइवर है वो हमको धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, तो जा अपने जाकर उस बाप के महंगी कार में बैठ, हम तुमको लट्टू देने वाले नहीं है। बाकी बच्चे का मन में था कि इसको भी मिला लिया जाता, लेकिन वो सबका बॉस था कौन जी? मदन। और मदन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसको अपने जमात में मिलाकर और खिलाया जाए। तब तक देखिए आगे क्या बात बिगड़ जाती है। आगे बात यहाँ होता है कि कासू तैश में आ गया। वह इसकी उम्र में नौकरों और अपनी बहनों पर भी हाथ छोड़ देता था और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने हाव हाव देखा ना ताव मदन को एक घूसा रसित कर दिया। और देखिए जो जिसका आदत जैसा बिगड़ा होता है ना भाई, वो अपना काम कहीं भी ऐसा कर देता है। तो अपनी यहाँ तक कि नौकर को भी कुछ ही बोल देता था, अपनी बड़ी बड़ी बहनों के ऊपर हाथ चला देता था। तो ये गया और उसे लट्टू मांगा, उसको दिया नहीं, तो वो एक तावर क्या कर दिया, वो एक तावर कासू उसको घेर दिया। किसको? मदन को। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था और जिसको बोला गया था कि भाई मदन क्या बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, गुंडा। किनके द्वारा बोला गया था जी? ये आप लोग को याद होना चाहिए, ये आपका बोला गया था सेन साहब के द्वारा। वह झट कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो एक मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो युद्ध हो रही थी, ये युद्ध हो रही थी किसके तरफ भाई? ये तो आया था अपने बंगले से निकल करके और कासू के झुंड में, तो कासू उठाकर उसको खूब पटक रहा था, खूब पीट रहा था, उसको लाते मुँह के खूब कचा रहा। किसको? कासू को। अगर यही झगड़ा कहाँ हुई रहती, इसके बंगले के पास हुई रहती, तो वहाँ पर कौन आपका क्या होता? शेर होता, कासू हो जाता। क्योंकि भाई ये झगड़ा कहाँ हो रही है? आपके कहाँ हो रही जी? आपके कासू के पास। तो वहाँ पर वो हो जाता सिर। चलिए इसके आगे आते हैं। यहाँ पर कहा गया कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दूरदर्मी लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ना उसके जो अपने दोस्त थे वो न मदन की मदद किए और न ही उसको बचाने की कोशिश, किसके? अपने मालिक के लाडले। मालिक के लाडले कौन? कासू को बचाने की उन्होंने कोई काम नहीं की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गया। लड़ाई जैसे खत्म हो गया तो सब लोग एक दूसरे से भाग गए कि भाई अब क्या होगा। अब यहाँ पर होता है कि मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। मदन घर भी नहीं लौटा लेकिन अब जाता कहाँ, क्योंकि इसके पिछले बार कष्ट की खुटाई होती है ना, तो जान रहा था कि भाई इस बार बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, इस बार तो मतलब क्या होगा तो हम नहीं जानते, ठीक है ना। तो 8-9 बजे इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से
आहिस्ता आहिस्ता घर घुसा और 8-9 बजे तक अपने इधर उधर गली में अपने दोस्तों के पास बैठता रहा और 8-9 बजी तो अपने आहिस्ते आहिस्ते अपने घर के जो पीछे के जो दरवाजा होता है उससे अपने घर में प्रवेश किया। इसके लिए मार खाना मामूली बात थी, डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी। ये तो हमेशा मार खाता ही था, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता, कहा गया बहुत बड़ा काम करके लड़के घर आया है। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, वह माँ नहीं थी, बगल में सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। भाई क्या हो रहा था कि उधर एक कमरे में उसके माता पिताजी बैठ कर बातचीत कर रहे थे, तब इधर बैठ कर पेट पूजा भाई कर रहा है, अपना बैठ कर जो भोजन है इसको कर रहा है। उसने बड़ा ताजुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं थे, उसके जो बाबू जी थे आज नहीं चिल्ला रहे थे और नहीं किसी को बोल रहे थे। उसकी 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 अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बताया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। देखिए और कुछ उनकी जो पत्नी है यानी कि जो गिरधर की जो पत्नी है वो कुछ बात बोली तो वो गिरधर बोला है कि अबे सेन साहब यही ने कहा है कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि यहाँ पर जो मदन की अपनी जो नौकरी होती है वो छूट जाती है कि कल ऑफिस से आना, अपना जो हिसाब किताब है कर लेना और पैसे भी अपना ले जाना कि कल से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि मदन की जो आपकी क्या है नौकरी है यहाँ पर छूट जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि उसी सजा की ताजीब होती रहती है और तो सुनने की कोशिश भी करता है, और यही सारी बात वो कौन सुनने की कोशिश करता है जी, आपका मदन। तब दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला, मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर झूमा और मार खाने की तैयारी में छाती के अपने हाथों से बांध खड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब उसके पिताजी उसको देखे कि भाई उसका जो पैर है अंधेरे में जा रहा था तो उसका पैर अचानक उसके लोटे में हो गया ठक गया, और उसके जो माता पिताजी हैं दौड़े आ गए कि घर में कौन आ गया, तो देख रहे कौन है तो मदन है, और बेचारा कहा गया कि मदन उनके सामने आते ही क्या हुआ, मार खाने के लिए तैयार हो गया, अपना जो हाथ है इस तरह करके खड़ा हो गया, भाई वेस्टर्न है इसमें मारिए जितना मारना है। चलिए उसके आगे आते हैं। इधर क्या होता है कि मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। गिरधर यहाँ पर क्या होता है कि अब वह हाँ देखिए यहाँ पर मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था और पीटने के बाद रोता भी था बहुत बहादुरी से। इधर गिरधर निसहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, मदन ने अपने दांत भींच लिए और गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल छट गया, उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देखता रह गया, उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था, अगर कभी किया था तो गिरधर उसकी बेपरवाही उल्लास और हर्ष के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी के निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के दो दो दांत तोड़ डाले, हा हा हा। और देखिए यहाँ पर कहानी की जो सार्थकता है कैसी होती है, क्योंकि वो जो आपका कौन था, गिरधर था। गिरधर जब भी सेन साहब बोलते थे तो उनकी बातों को सुन करके आ जाया करता था, और इधर जो आपका उनका जो लड़का कौन था, मदन था, वो किसी बात को बर्दाश्त नहीं करता था, और आज जाकर उसने खोखा के मार मार के दो दांत तोड़ दिए, और कहानी की सार्थकता यहाँ पर पूरी होती है कि यहाँ पर विष का जो दांत होता है वो टूट जाता है। कैसे टूटता है भाई, यहाँ पर इस कहानी की इस पॉइंट को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गिरधर के पिता को नौकरी से निकाल दिया जाते, क्योंकि जब तक गिरधर के पिता उसके यहाँ काम करते तब तक वो इसी प्रकार का कोई ना कोई बात होता और वो हमेशा पिटाई खाता रहता, कौन जी मदन, और वहाँ से उसको नौकरी से निकाल दिया गया, तो नहीं मदन उसके पास जाता और नहीं किसी पर कोई क्या होता झगड़ा होता, तो यहाँ पर आपके विष के दांत टूट जा रहा है। और उसके पिताजी उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि बेटा आज तूने बहुत अच्छा काम किया कि ये जो विष का दांत है आज यहाँ पर क्या हो जाए टूट जा रहा है, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तूने क्या किया है कि आज खोखा का मार के दो दो दांत तोड़ दिए हैं, और पहली बार
पहली बार मदन की जिंदगी में ऐसा समय ऐसा वक्त आता है कि उसके पिता ने एक गलती करके आने पर भी अपने अपने बच्चे को हर्षो और उल्लास से यानी बड़ी ही खुशी से अब गले लगाता है और गले लगाकर और उसके जीवन में ये जो क्षण है ये क्षण बड़ी ही स्वर्णिम क्षण बड़ी ही सुंदर क्षण रहता है किसके जीवन में मदन के जीवन में कि आज तक उसको अपने पिता से इतना प्यार और इतना दुलार कभी नहीं मिलता उसको याद ही नहीं है कि हमारे पिताजी कभी हमें अपने गले भी लगाए हुए वो भी इतनी खुशी के साथ। तो ओके स्टूडेंट्स आज जो आप लोग का ये वीडियो है ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन एकदम एक एक चीज एकदम बड़ी बारीकी के साथ आप लोग पढ़ाया गया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एकदम बिल्कुल देखे पूरा देखे क्योंकि जो आप लोगों का जो छांट कर क्या दिए जाते हैं जी जो आपका जो छांटा हुआ है यानी कि इसके समरी जो दिए जाते हैं उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाते हैं उससे बहुत सारे जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं छूट जाते हैं लेकिन ये जो वीडियो है इसमें आपके कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। और मैं ये आशा आपको दिलाता हूं कि आप लोग इस वीडियो को और पूरा देखते हैं तो ना आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है नहीं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर छूटने वाला है और नहीं आपके लॉन्ग क्वेश्चन सर छूटने वाले हैं आपके पूरे के पूरे सारे चीज कवर हो जाते हैं इस वीडियो में और इतना वक्त देते हैं तो आपको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं है टोटल चीज एकदम खंड बाय खंड आप लोगों के दिमाग में आता चला जाएगा और आप लोग पूरा क्वेश्चन सर एग्जाम में करके आइएगा। ओके स्टूडेंट थैंक यू हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टे योर होम एंड कीप फिट थैंक यू।